वासमेवाग्रे नाने अधियते सत सत परमः पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् इति अर्थं यते प्रतीये न प्रतीयेत न चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचिष्णो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तशा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वैतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म था, ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर जो भी अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ पर महात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाशमंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरे प्रतीत नहीं होती, इस मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि महापंचभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनकी आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु ना होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। वह ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति और ये ब्रह्म है ये ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वतीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तव में तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम श्लोक चतुर्श्लोकी भागवत।